गुड मॉर्निंग, कैसे हो बेटा? होप यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ योर सेल्फ। रख रहे हो ना अपना ध्यान? वेरी गुड, रखना भी है। ठीक है, चलिए नाउ लेट्स स्टार्ट आर टूडेज क्लास विद चैप्टर 12। आज हम नया चैप्टर शुरू करेंगे एंड दैट इज आर स्कूल। चैप्टर का क्या नेम है बेटा? आर स्कूल, हमारा स्कूल। और ये देखो बेटा, ये पिक्चर भी आपके स्कूल की ही है ना? आया कुछ याद? हाँ, दिस इज ऑल अबाउट योर स्कूल। बच्चे, ये जो आज का चैप्टर है ना, इसमें देर इज नथिंग न्यू टू लर्न और टू स्टडी। आपका सिर्फ जो आपकी मेमोरीज हैं आपके स्कूल से रिलेटेड, आप उनको रिकॉल करोगे, आप उनको याद करोगे। जो टाइम आपने अभी तक अपने स्कूल में निकाला है ना, ये सारा उसी के बारे में है। ठीक है बच्चे, तो चलिए लेट्स स्टार्ट विद इट। तो चलिए शुरू करते हैं आर टूडेज क्लास विद आर प्रेयर एज वी यूज टू डू इट इन आर मॉर्निंग असेंबली। हम अपनी मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर करते थे ना, आज भी हम अपनी क्लास को असेंबली की प्रेयर से ही शुरू करते हैं। सुबह सवेरे आपका टॉपिक आज आपको पता लग गया ना। अब आपका टॉपिक है आर स्कूल। और जब आप बेटा स्कूल में एंटर कर जाते हो, तो सबसे पहले स्कूल में एंटर करने के बाद आप कहाँ पे जाते हो? अपने क्लासरूम्स में, है ना? तो और जो बिल्कुल छोटे बच्चे होते हैं वो भी अपने क्लासरूम में जाते हैं। आज मैं आपको एक बिल्कुल छोटे बच्चों के, किंडरगार्टन वाले बच्चों के क्लासरूम का विजिट करवाती हूँ। अपने अग्रसेन के जो किंडरगार्टन है उसके क्लासरूम का विजिट। देखो बेटा कितना ब्यूटीफुल रूम है, देखते हैं इसको। ये देखिए बच्चे, दिस इज द रूम ऑफ किंडरगार्टन विंग ऑफ एपीएस। हाउ ब्यूटीफुल दिस रूम इज। टॉयज आर देयर। देखो बच्चे कितने सारे टॉयज रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि बच्चे जो होते हैं इस विंग में प्लेइंग के थ्रू सीखते हैं, आप टॉयज के थ्रू सीखते हो। इवन जो स्टोरीज भी होती हैं वो भी आपको प्ले वे मेथड में सिखाई जाती हैं। हंग्री फिश, आई थिंक दिस इज द स्टोरी, यस। ये भी प्ले वे मेथड्स के थ्रू सिखाई जाती है। आपको कोई थीम्स होती हैं, दे आर आल्सो टोट टू यू इन प्ले वे मेथड्स। दीज आर द पिक्चर्स ऑफ अ किंडरगार्टन विंग्स रूम। टॉयज आर देयर। सिटिंग अरेंजमेंट इज सो ब्यूटिफुल। एवरीथिंग इज केप्ट ब्यूटिफुली देयर। लुक, यू मस्ट बी रिकॉलिंग द डेज वेन यू वर इन दीज रूम्स। आपको याद हो रहा होगा। और नाउ वी आर इन प्राइमरी विंग। दिस इज द रूम ऑफ फर्स्ट ए। जब आप केजी से पास आउट करते हो यू एंटर इन प्राइमरी विंग, फर्स्ट टू फिफ्थ। ये रूम आपके फर्स्ट ए का रूम है। देखिए बेटा, यहाँ पे आप डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट सीखते हो और कंप्यूटर भी सीखते हो। दिस इज द सिटिंग अरेंजमेंट ऑफ फर्स्ट ए रूम। देखो बेटा, अब आया याद? सेकेंड ए में हो गए हो, फर्स्ट ए है ना? यही रूम था ना आपका? हाँ, गुड, वेरी गुड, यस। एंड नाउ व्हेन यू विल पास आउट योर फिफ्थ क्लास, जब आप फिफ्थ क्लास में चले जाओगे आप सेकेंडरी स्कूल में जाओगे। ये एट्थ क्लास का रूम है बेटा। आफ्टर फिफ्थ यू विल गो टू
सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ, और ये एट्थ का रूम है बेटा आपके। आप यहाँ पे आके थोड़ा अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पहचानने लग जाते हो, और ज्यादा पहचानने लग जाते हो अपनी डिसिप्लिन में, ज्यादा अपनी डिसिप्लिन को देखते हो। एंड दिस इज अबाउट योर ऑडिटोरियम। हाउ कैन यू फॉरगेट ऑडिटोरियम बेटा? आपको याद है ऑडी में हम क्या करते थे? आपकी असेंबली होती थी, यू यूज टू कम इन ऑडी इन क्यू फॉर योर असेंबली। ये असेंबली हॉल भी है हमारा ऑडी। देखो, वी हैव द लार्जेस्ट ऑडी इन अ सिटी। वी शुड प्राउड ऑफ दिस बेटा, वी शुड फील प्राउड ऑफ इट। एंड हाउ मच स्पेशियस इट इज। एंड हियर इज अ स्टेज, आपके फंक्शन होते थे। हाँ जी बेटा, वीडियो देखा, अच्छा लगा? डिड यू रिमेम्बर दोज डेज? यू माइट हैव रिकॉल्ड दोज डेज, बट डोंट वरी बेटा, दोज डेज विल कम बैक सून। सो बेटा, लेट्स स्टार्ट विद वार्म अप एक्टिविटी ऑफ चैप्टर 12, दैट इज ऑन पेज नंबर 67। ये देखिए बेटा, हियर ऑन पेज नंबर 67 दिस वार्म अप एक्टिविटी इज। यहाँ पे दो पिक्चर्स दी गई है बेटा आपको, टू पिक्चर्स आर गिवन। इन वन पिक्चर टू चिल्ड्रन आर फाइटिंग, एंड इन अदर वन दे आर स्टडिंग इन लाइब्रेरी। एक पिक्चर में दो बच्चे लड़ रहे हैं और दूसरे में बच्चे लाइब्रेरी में स्टडी कर रहे हैं। तो आप स्कूल में ये पूछे, व्हाट डू यू लाइक टू डू इन स्कूल, टिक द राइट बॉक्स। आप स्कूल में लड़ाई करने आते हो या आप पढ़ाई करने के लिए आते हो? अब आपका आंसर क्या होगा बेटा? यू कम टू स्कूल फॉर स्टडी। आपका आंसर यहाँ पे आएगा, यू विल टिक हियर। ठीक है बेटा, नेक्स्ट इज न्यू वर्ड्स ऑफ द चैप्टर। न्यू वर्ड्स कौन से बेटा? फर्स्ट इज गैदर। गैदर क्या होता है? इकट्ठा होना, किसी भी जगह पे बहुत सारे लोगों का इकट्ठा होना। इसके स्पेलिंग्स क्या होंगे? जी ए टी एच ई आर, गैदर। सेकेंड इज प्रेयर। प्रेयर क्या होती है? प्रार्थना, भगवान जी से विश मांगना, उसको हम बोलते हैं प्रेयर। पी आर ए वाई ई आर, प्रेयर। थर्ड वर्ड सेलिब्रेट, सी ई एल ई बी आर ए टी ई, सेलिब्रेट। सेलिब्रेट क्या होता है बेटा? किसी भी चीज को मनाना। हम बोलते हैं ना कि फेस्टिवल, वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स, तो सेलिब्रेशन होती है किसी भी चीज को बड़ी खुशी से मनाना। देन एनुअल, ए डबल एन यू ए एल, एनुअल क्या होता है? एनुअल जो साल में एक बार होता है। ठीक है बेटा, साल में होने वाली चीज जो एक बार होती है, दैट इज कॉल्ड एनुअल। नेक्स्ट इज विनर, डब्ल्यू आई डबल एन ई आर, विनर होते हैं जीतने वाले। ठीक है बच्चे, नाउ आई विल टेल यू दैट देयर आर मेनी काइंड ऑफ स्कूल। बच्चे जो स्कूल होते हैं जिनमें आप पढ़ने आते हो ना, वो अलग अलग तरीके के होते हैं। आज मैं आपको उनके बारे में बताऊंगी। फर्स्ट है प्राइमरी स्कूल। प्राइमरी स्कूल कौन से होते हैं? जिनमें आप हो अब प्रेजेंटली, इन विच यू आर स्टडिंग, जैसे क्लास वन से लेके क्लास फाइव तक के जो बच्चे होते हैं। ठीक है बेटा, क्लास वन से लेके क्लास फाइव तक के जो बच्चे होते हैं, जिस स्कूल में पढ़ते हैं, उसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्कूल। लुक व्हाट आई हैव रिटन, अबाउट फाइव इयर्स ऑफ एज चिल्ड्रन स्टडी इन दिस स्कूल। जो बच्चे पांच साल से ऊपर की उम्र के होते हैं ना बेटा, वो इस स्कूल में जाते हैं। आप देखो, आप फाइव प्लस हो गए, कोई सिक्स इयर्स का है, आप सारे प्राइमरी स्कूल में हो। ठीक है, और क्लासेस कहाँ से कहाँ तक होती है प्राइमरी स्कूल में? फर्स्ट से लेके फिफ्थ तक। कहाँ तक? फर्स्ट टू फिफ्थ प्राइमरी स्कूल। देन आता है आपका बेटा किंडरगार्टन। किंडरगार्टन कौन सा स्कूल होता है? जब आप बहुत छोटे होते हो, बिफोर गोइंग इन टू दिस स्कूल, प्राइमरी स्कूल में जाने से पहले जब आप अपनी स्कूलिंग शुरू करते हो, जब आप बहुत छोटे होते हो, आप तीन साल के होते हो ना, देन यू ज्वाइन किंडरगार्टन स्कूल। तब आप किंडरगार्टन स्कूल ज्वाइन करते हो। इसमें आप क्या करते हो बेटा? इसमें आप जो भी सीखते हो वो राइम्स के थ्रू सीखते हो,
प्लेइंग के थ्रू सीखते हो एंड यू एंजॉय योर लर्निंग। ठीक है बच्चे, आप इसमें बहुत छोटे छोटे आप हर चीज जो सीखते हो आप प्लेइंग के थ्रू ही सीखते हो और आप इंजॉय करते हो। दैट इज योर किंडरगार्टन स्कूल। जब बच्चा बहुत छोटा होता है, वो 3 साल का होता है, देन ही एंटर्स इन किंडरगार्टन। फिर आता है बेटा आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्या है बेटा, जो स्कूल प्लस टू तक की क्लासेस का होता है। ठीक है, जिस स्कूल में प्लस टू से तक की क्लास होती है उसको हम बोलते हैं सीनियर सेकेंडरी स्कूल। अब आपका स्कूल भी बेटे जो है वो भी आपका सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ना। हमारा अग्रसेन स्कूल भी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है ना। इसमें कब एंटर करते हैं, व्हेन यू पास आउट योर क्लास 5। ठीक है, जब आप क्लास 5 से पास आउट हो जाते हो, क्लास 5 पूरी कर लेते हो, देन यू एंटर इन दिस वे। आप इस स्कूल में जाते हो, सीनियर सेकेंडरी विंग में जाते हो। ठीक है, 6 क्लास से लेके 10th तक होता है आपका सेकेंडरी और प्लस 1 और प्लस 2 ये होता है आपका सीनियर सेकेंडरी। मैंने यहाँ पे सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्यों लिखा है, बिकॉज योर अग्रसेन स्कूल इज ऑल्सो सीनियर एट स्कूल। अब यहाँ पे है कि हम स्कूल में क्या क्या सीखते हैं। ठीक है बेटा, एट स्कूल वी लर्न स्टडी गुड मैनर्स डिफरेंट सब्जेक्ट्स लर्निंग ऑफ म्यूजिक प्लेइंग गेम्स। बहुत सारी एक्टिविटीज होती हैं बेटा जो आप स्कूल में आके ही सीखते हो। अब आप देखो बेटा, अब यहाँ पे जब हम स्कूल में आते हैं आपको कितने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने को मिलते हैं ना, है ना। आप हिंदी इंग्लिश ईवीएस मैथ्स कंप्यूटर कितने सारे सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़ना सीखते हो। आपको गुड मैनर्स सिखाए जाते हैं, आपको अच्छी बातें सिखाई जाती है, आपको डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाता है ना। और आपको म्यूजिक, आपके म्यूजिक टीचर्स कितना कुछ सिखाते हैं। डांस टीचर्स हैं हमारे स्कूल में, म्यूजिक टीचर्स हैं, कंप्यूटर टीचर्स हैं, कितना कुछ आपको अलग अलग चीजों के बारे में हर रोज नया सिखाते थे और अब भी सिखाएंगे, आगे भी सिखाएंगे। ठीक है, और आप पीटीआई वाले मैम बिंदु मैम याद है आपको, है ना। तो वो कितना कुछ आपको गेम्स के बारे में बताते थे, आपको ग्राउंड में लेके जाते थे एंड यू यूज टू लाइक दैट पीरियड, आपको बहुत अच्छा लगता था। तो हम जब स्कूल में होते हैं हम बहुत सारी चीजें सीखने आते हैं, हम बहुत सारी चीजों को अपने अंदर इम्बाइब करते हैं। ठीक है, और स्कूल में हमारी जो डे की स्टार्ट होता है, वेन एवर वी स्टार्ट आवर डे इन स्कूल वी स्टार्ट विद मॉर्निंग असेंबली। आपका एक रूटीन होता है स्कूल में आने का, आप एक पर्टिकुलर टाइम पे आते हो स्कूल में, है ना। तो वहां जब हम स्कूल में आ जाते हैं तो हम अपना डे किससे स्टार्ट करते हैं, मॉर्निंग असेंबली से। और मॉर्निंग असेंबली में व्हाट यू यूज टू डू, से प्रेयर्स। अब आप स्कूल में आते थे आप क्या करते थे, जब असेंबली होती थी आप याद है आपको क्यू में आते थे, सारे बच्चे लाइन में आते थे, है ना। और हम सारे अपने ऑडिटोरियम में गैदर होते थे, इकट्ठा होते थे और कितनी सारी एक्टिविटीज किया करते थे ना। सिर्फ हम प्रेयर्स ही नहीं करते थे, हम एरोबिक्स भी करते थे और हम रोल प्लेस करते थे, बर्थडे विशेस मिलती थी और आपको आप अपने कितने सारे वो हैंड ऑन एक्टिविटीज करके दिखाते थे हमें। तो और जो अब लास्ट होता था उसका असेंबली के लास्ट में नेशनल एंथम किया करते थे। तो सारी चीजें दैट विल कम श्योरली बैक टू अस, वो आएंगी जरूर और ये सारी चीजें हम दोबारा से करेंगे अपने स्कूल में। अब बेटा वी विल टॉक अबाउट एनुअल फंक्शन। एनुअल फंक्शन हमारे स्कूल में भी होते हैं, है ना। एनुअल फंक्शन में क्या करते थे बेटा, द यूनिक थिंग अबाउट आवर स्कूल इज, वन यूनिक थिंग अबाउट आवर स्कूल इज दैट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम अदर स्कूल्स। हमारे स्कूल की एक चीज बहुत डिफरेंट है फ्रॉम अदर स्कूल्स ऑफ द सिटी, दैट इज पार्टिसिपेशन बाय ईच एंड एवरी स्टूडेंट इन एनुअल फंक्शन। हमारे स्कूल के बच्चे, हर बच्चा ईच एंड एवरी चाइल्ड पार्टिसिपेट करता था एनुअल फंक्शन में और करता है और करता रहेगा। ठीक है बेटा, एनुअल फंक्शन में पार्टिसिपेशन हर बच्चे की। और आपको याद है कि आप कैसे स्टेज पे जाने के लिए आप अपनी वेट करते थे, आपके मैम आपको डांस सिखाते थे, डांस वाले मैम, इवन आपके क्लास टीचर्स आपको डांस सिखाया करते थे, आप सारा सारा दिन प्रैक्टिस करते थे, है ना। तो हर स्कूल में भी ये होते हैं, एनुअल फंक्शन होते हैं, पर हमारे स्कूल में वी आर डिफरेंट बिकॉज एवरी चाइल्ड ऑफ आर स्कूल ऑफ आर विंग पार्टिसिपेट्स इन एनुअल फंक्शन। और आप बहुत ज्यादा अपने आप को एंटरटेन भी, स्कूल की इसमें कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं,
और बच्चों को जो एकेडमिकली बच्चे पढ़ाई में जो बच्चे बहुत अच्छा एक्सेल करते हैं उनको प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन दिया जाता है, उनको प्राइजेस दिए जाते हैं। देन कम्स स्पोर्ट्स डे। अब स्पोर्ट्स डे हमारे स्कूल में कब मनाते थे बेटा आपको याद है? 14th of November क्या होता है? चिल्ड्रंस डे। और हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे चिल्ड्रंस डे को हमेशा मनाते थे, ठीक है? और आप क्या करते थे? आप सारे बच्चे गेम्स में, आप अपने आपके गेम्स वाले मैम आपको बहुत सारे गेम्स करवाते थे, कॉम्पिटिशन करवाते थे। और स्पोर्ट्स डे हर स्कूल में ऐसे ही मनाया जाता है जिसकी बच्चों को, जो बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं स्पोर्ट्स में गेम्स में उनको विनर्स को मेडल्स दिए जाते हैं। Then they are talking about Teachers Day. Teachers Day school में कैसे मनाया जाता है? It is celebrated on 5th September of every year. बेटा Teachers Day 5 September हर साल मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? Because it is the birthday of Dr. S. Radhakrishnan. सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी, इनका birthday होता था उस दिन। He was a famous educationist. Let's start with our reading part. We'll start it from page number 67. Rohit studies in a primary school. Children above 5 years of age study in his school. A primary school has classes up to class 5. There are other kinds of schools too. Now beta, turn page 67. We'll page 68 now beta. A kindergarten school is for very young children. Here children learn by playing games. They also learn many rhymes. Children go to a secondary school or a senior secondary school after they have passed class 5. They study there up to class 10 or 12. Now at school. अब हम बेटा पढ़ेंगे कि हम स्कूल में what do we learn in school? We go to school to study. There we learn good manners. We also study many subjects. Rohit's school starts at 8 o'clock in the morning. All the children gather for the morning assembly. They say the prayers and sing the national anthem. After the morning assembly, they move to their classrooms. They also move in queues. In the class, they learn different subjects. They also play games and learn music at school. Now celebrations at school. Celebrations कौन कौन सी होती हैं बेटा स्कूल में? Rohit school celebrates many functions. They celebrate their annual day on 10th January every year. All the students and teachers take part in it. Children dance and sing on the stage. They enjoy a lot on this day. They also celebrate sports day in their school. Children take part in different games. The winners are awarded medals and trophies. Teachers Day. Teachers Day is celebrated on 5 September every year. All the children greet teachers on this day. Some senior students act as teachers and teach in classes. Besides this, we also celebrate some other days at school. These days include Independence Day, Republic Day and Gandhi Jayanti.
डू यू नो 5 सितंबर इज द बर्थडे ऑफ डॉक्टर एस राधा कृष्णन इंडियाज सेकेंड प्रेसिडेंट. रिमेंबर प्राइमरी स्कूल हैज क्लासेस अप टू क्लास 5. किंडरगार्टन स्कूल इज फॉर वेरी यंग चिल्ड्रन. आ सेकेंडरी स्कूल हैज क्लासेस फ्रॉम 6 to 10. आ सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैज क्लासेस अप टू 12. 5 सेप्टेम्बर इज सेलिब्रेटेड एज टीचर्स डे.